हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बीम फॉर कंस्ट्रक्शन। सो रेविट की ट्यूटोरियल सीरीज हमने स्टार्ट करी थी, जिसमें आपको हर टूल्स के बारे में और रेविट के फीचर्स के बारे में हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। सो इसकी अगर कोई भी प्रीवियस वीडियोस आपने मिस करी हो, जिसमें आपको फिल्टर्स, आपको कैसे पैरामीटर्स बनाते हैं, कैसा आप जो है सेटअप करते हैं प्रोजेक्ट को, कैसा आप फाइल को सेंट्रल बनाते हैं वर्कसेट, इनको हम डिटेल में बता चुके हैं। तो आपको जो है प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल हो जाएगा। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके रेविट के अंदर कितनी टाइप की फैमिलीज होती है, जो कि आपकी फर्स्ट फैमिलीज होती है, सिस्टम फैमिलीज, जो भी आपका रेविट का डिफॉल्ट टेम्पलेट होता है उसके साथ ही वो फैमिलीज आपको देखने को मिल जाएगी। सेकेंड होती है हमारी फैमिलीज जो कि हम लोड करते हैं, जिन्हें लोडेबल फैमिलीज, कॉम्पोनेंट फैमिलीज आप बोल सकते हैं, जो कि हम बाहर से एक्सटर्नल लोड करते हैं, या फिर आप जो रेविट का आपको फैमिली क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है फैमिली एडिटर में, आप फैमिली बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और उस फैमिली को सेव करके लोड कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में। थर्ड है आपके पास इनप्लेस फैमिलीज, जो कि आप पर्टिकुलर रेविट जो सिंगल प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसी में उसे क्रिएट कर सकते हैं, उसे आपको सेव करने का ऑप्शन नहीं मिलता। और इसी के साथ आपके पास अनोटेशन फैमिलीज होती है, जो आपके शॉप ड्राइंग्स और अनोटेशन में आपको सपोर्ट करती है। तो वो इन चारों फैमिलीज के बारे में हम जानेंगे कि इन फैमिलीज में क्या डिफरेंस होता है और क्या इनका यूज होता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे सामने जो है एक आर्किटेक्चर का यहाँ पर मॉडल हमने ओपन किया है, जिसमें हमने यहाँ पर एक हाउस क्रिएट कर रखा है, जिसमें वॉल्स, विंडोज, डोर्स और जो हमारे सोफा सेट और यहाँ पर फ्रिज वगैरह की फैमिलीज का यूज करके हमने इसे 3D मॉडल को हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारी सिस्टम फैमिलीज क्या होती है। तो आप देख सकते हैं रेविट में आप अगर आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल या आप जो है आपके MEP से बिलोंग्स करते हैं, तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं वॉल्स ड्रॉ करने का, रूफ, सीलिंग, फ्लोर, या MEP में आपको जो है पाइप्स या आपको डक्ट्स वगैरह, इलेक्ट्रिकल की केबल ट्रेस ड्रॉ करने का आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ये सारी फैमिलीज आपको जो है इस पर्टिकुलर जो हमारा रेविट फाइल थी जब हमने इसे स्टार्ट किया था, टेम्पलेट चूज किया था, और रेविट के इन बिल्ट फैमिलीज है ये सब। तो इन फैमिलीज को हम बोलते हैं सिस्टम फैमिलीज। इन फैमिलीज का यूज करके आप मॉडल कर सकते हैं, और ये जो जब भी आप किसी फैमिली को सेलेक्ट करेंगे, एडिट टाइप में आप जाएंगे, तो आपको यहाँ पर फैमिली का नेम भी देखने को मिल जाएगा, सिस्टम फैमिलीज। अगर आप MEP से आपने कुछ सिस्टम में जाकर यहाँ पर जो है कुछ प्लम्बिंग के पाइप्स ड्रॉ किए और उन्हें भी आप सेलेक्ट करेंगे, तो आपको एडिट टाइप्स के अंदर यहाँ पर सिस्टम फैमिलीज देखने को मिलेगा। इन फैमिलीज को आप नॉर्मल जो हमारी लोड वाली फैमिलीज होती है उनकी तरह डबल क्लिक करके इसे आप फैमिली एडिटर में नहीं जा सकते, इन फैमिलीज को आप वहां से डबल एडिट करके या फैमिली एडिटर में जाके सेव नहीं दे सकते। ये फैमिलीज होती है हमारी सिस्टम फैमिलीज। अगर आपको इनका न्यू टाइप क्रिएट करना है या आप कुछ चेंज करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग फैमिलीज में, तो आप इन फैमिलीज के एडिट टाइप पे जाके इसे डुप्लीकेट करके और जो ऐसे रीनेम करके आप इनके जो भी आपको पैरामीटर्स यहाँ पर एडिट करने के लिए अवेलेबल है उन पैरामीटर्स को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस वॉल की थिकनेस हमने यहाँ पर 400 कर दी और इसे हम ओके कर देते हैं, और इसे डुप्लीकेट कर लिया था हमने वॉल टेस्ट के नाम से, तो ये वॉल हमारी यहाँ पर उस हिसाब से अपडेट हो गई। सिस्टम फैमिलीज जो थी उसमें हमने कुछ यहाँ पर मॉडिफिकेशन किया और वो अपडेट हो गई। अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि इस फैमिली को आपको सेव देना, तो आपके पास डबल क्लिक करके सेव करने का ऑप्शन इसे नहीं होगा। अगर आप इस फैमिली को दूसरे प्रोजेक्ट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उसके आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आपको सिंपल यहाँ से कॉपी करके और यहाँ से आपको पेस्ट, वापस मॉडिफाई में जाके पेस्ट करना होगा उस फैमिली को जो भी आपने कॉपी किया। इसके लिए दोनों प्रोजेक्ट आपके एक ही रेविट सेशन में ओपन होने चाहिए, एक तो आपके पास ये ऑप्शन है। दूसरा जो ऑप्शन है उसमें भी आप जो है रेविट सेशन में, एक ही रेविट सेशन में आपके पास दोनों फाइल्स ओपन होनी चाहिए और आपके पास ट्रांसफर प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। तो इसका यूज करके आपने जो भी सिस्टम की फैमिलीज में एडिट किया, फॉर एग्जांपल अभी हमने वॉल क्रिएट करी, आप वॉल सेलेक्ट करके आपकी जो फर्स्ट फाइल है उसे सेलेक्ट यहाँ से कर लेंगे, तो फर्स्ट फाइल में से जो भी आपकी वॉल टाइप्स थी वो सारी आपकी सेकंड फाइल के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। तो सिस्टम फैमिलीज में अगर आपने कुछ चेंजेस किए हैं जो कि इनबिल्ट टेम्पलेट के साथ आती है, उसे आप चाहते हैं आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट में यूज करना, तो उसके लिए आपके पास ट्रांसफर और कॉपी करने की ही ऑप्शन होती है। इसे डबल क्लिक करके सेव करके आपके लोकल डेस्कटॉप या किसी भी फोल्डर पे इसे रखने का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट होती है हमारी जो फैमिलीज हम कंपोनेंट में लोड करते हैं, वो फैमिलीज जो है आप जब फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर फर्नीचर की कुछ फैमिलीज है जो कि हमने डाउनलोड करी, आपको कई फैमिलीज जो है आपको नेट पर अवेलेबल हो जाएगी जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक आपको प्रोसेस करके बता देते हैं, बिम ऑब्जेक्ट,
इसी के साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। आपको फर्दर किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए वो भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फॉर एग्जांपल ये चेयर की फैमिली है जो हमें मॉडल में हमें यूज करनी है, तो आप यहाँ से जो है इस फैमिली को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जो है सिंपली यहाँ पर लॉग इन करना होगा आपके अकाउंट के साथ, और उसे लॉग इन करने के बाद आप यहाँ से जो है डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपके मॉडल में इंसर्ट करने के लिए आपको जो है यहाँ पर मैनेज पर, जब भी आप यहाँ पर आपको जो है इंसर्ट पर आपको जाना है, इंसर्ट पर जाते ही आपको लोड फैमिली का यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। लोड फैमिली के ऑप्शन पर आप जो भी लोकेशन पर आपने उस फैमिली को डाउनलोड करके रखा है आप उसे सेलेक्ट करेंगे और फैमिली जो है आपके प्रोजेक्ट ब्राउजर में यहाँ पर शो होने लग जाएगी। तो आप जब राइट साइड में आपको जो प्रोजेक्ट ब्राउजर होता है उसमें एक आपको फैमिलीज का ऑप्शन मिलता है, तो जो भी फैमिलीज आप लोड करते हैं वो सारी फैमिलीज कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर आपके सिस्टम के अंदर आ जाती है। फॉर एग्जांपल अभी हमारी फैमिली है फर्नीचर सिस्टम डबल बेड विथ पिलो 4299। सो ये फर्नीचर सिस्टम्स में हमें डबल बेड विथ पिलो 4299 यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो जो भी फैमिलीज आप बाहर से लोड करते हैं वो सारी फैमिलीज आपको प्रोजेक्ट ब्राउजर के अंदर लिस्ट आउट हो जाती है। तो ये है हमारी लोड फैमिलीज जिसे हम लोड कर सकते हैं, और चाहे तो आप जो है जब भी आप रेविट का सेशन ऑन करते हैं तो आपको न्यू फैमिली भी क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है, जिससे कि आप जो है कोई फैमिली न्यू क्रिएट कर सकते हैं किसी भी चेयर की, सोफा की, या कोई एमयूपी की आपको कोई फैमिली क्रिएट करनी हो, जनरेटर वगैरह की, एच यू एफ सी की, तो वो फैमिलीज जो है आप क्रिएट कर सकते हैं और देन उसको आपके प्रोजेक्ट में लोड कर सकते हैं और उसे आप लोकल वगैरह कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है कि जो फैमिलीज हमारी लोडेबल फैमिलीज होती है कंपोनेंट में उन्हें हम सेव कर सकते हैं और किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, उसे जो है कॉपी पेस्ट या ट्रांसफर प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमें रेविट के सेम सेशन में दोनों फाइल ओपन करने की भी नीड नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से फैमिलीज न्यू आपको क्रिएट करने का जो है ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप टेम्पलेट सेलेक्ट करके आपकी कोई भी लाइटनिंग की आपको फैमिलीज वगैरह क्रिएट करनी हो तो वो सब फैमिलीज आप क्रिएट कर सकते हैं। सो अभी तक हमने डिस्कस किया सिस्टम फैमिलीज देन कंपोनेंट फैमिलीज, तो दोनों के बेनिफिट भी हमने बताए, दोनों को जो है आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं वो भी हमने बताया। तो सिंपली जो भी आपकी कंपोनेंट फैमिलीज होती है उन्हें तो आप यहाँ पर एडिट फैमिली का आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करना है तो आप फैमिलीज में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, और आपको सेव का भी ऑप्शन मिल जाता है, सेव करके आप आपके फ्रेंड्स वगैरह के साथ जो है इस फैमिली को शेयर कर सकते हैं। और ये फैमिलीज जो होती है हमारी पैरामेट्रिक फैमिलीज भी आप क्रिएट कर सकते हैं, इसको हम डिटेल में अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि पैरामेट्रिक फैमिलीज आप कैसे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट होती है इन प्लेस फैमिलीज। इन प्लेस फैमिलीज होती है कि पर्टिकुलर आपके सिस्टम के अंदर अभी फैमिलीज वो एग्जिस्ट नहीं करती, ना ही आपने जो है उस फैमिली को लोड किया, आपने सिंपली कंपोनेंट पे जाके मॉडल इन प्लेस मीन्स इस पर्टिकुलर जो मेरा रेविट का प्रोजेक्ट है, इस रेविट के प्रोजेक्ट के लिए मैं उस फैमिली को यहाँ से क्रिएट करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर जेनरिक मॉडल सेलेक्ट किया और यहाँ पर एक्सट्रूजन का यूज करके जो है मैं एक रेक्टेंगल की कोई फैमिली यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये फैमिली हमने क्रिएट करी, 3D में हम जाके देखते हैं। तो ये फैमिली हमारी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। ये फैमिली ना तो हमारे टेम्पलेट के अंदर बाय डिफॉल्ट आई थी, तो ये सिस्टम फैमिलीज भी नहीं है, ना इस फैमिली को जो है हमने लोड किया है या फैमिली एडिटर के थ्रू जाके क्रिएट किया है, ना इस फैमिली को हम फैमिली एडिटर में जाके सेव दे सकते हैं। तो ये हमारी जो है लोडेबल कॉम्पोनेंट फैमिलीज भी नहीं है, तो ये ना सिस्टम है ना लोडेबल कॉम्पोनेंट फैमिली। ये हमने जस्ट जो हमारा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट था उस प्रोजेक्ट के इंटरफेस पे हमने इसको मॉडल किया है। सो इन फैमिलीज को हम कहते हैं मॉडल इन फैमिलीज। ये बेसिकली आप जितना अवॉइड करेंगे उतना बेहतर है। इन फैमिलीज को क्रिएट करने के लिए हमें जो है कम इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं और ये जो है आपके रेविट फाइल्स में जो है स्पेस भी ज़्यादा इंक्रीज करती है फाइल का, और इसके बेनिफिट भी इतने नहीं है जितने कि आपके लोडेबल कंपोनेंट फैमिलीज के होते हैं। तो बेटर है कि आप लोडेबल कंपोनेंट फैमिली ही क्रिएट करें। सो ये होती है हमारी मॉडल इन प्लेस फैमिलीज। और नेक्स्ट है कि अगर आपको आपकी कोई फैमिलीज को अगर आपको डिलीट करना हो तो डिलीट करने के लिए आप पर्ज अनयूज्ड का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास इस जो है मॉडल के अंदर बहुत सारी फैमिलीज है जिन्हें अगर मैं चाहूँ डिलीट करना चाहता हूँ तो आपको डिलीट करने का ऑप्शन भी वहां से मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो फैमिली को मुझे हमारे रेविट प्रोजेक्ट से डिलीट करना है, तो सबसे पहले किसी भी फैमिलीज को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आपके रेविट
करंट प्रोजेक्ट में वो फैमिली कहीं पे भी यूटिलाइज नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज उसे जो है पर्च करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ आप जाएंगे मैनेज में, मैनेज में आपको पर्च अनयूज्ड का ऑप्शन मिलता है। पर्च अनयूज्ड मीन्स जो भी फैमिलीज आपके यूज में नहीं आ रही है उसे ये डिलीट कर देगा। इसमें आप चेक चेक नन करें, देन जो फैमिलीज है उस पर आप जाकर, फॉर एग्जांपल ये हमारी ओकेशनल टेबल है, ओकेशनल टेबल पर मैं जाऊंगा तो यहाँ से चेक कर दूंगा तो ये फैमिली जो है मेरी पूरी डिलीट हो जाएगी। अभी फिलहाल मुझे केवल इसकी इस फैमिली का एक टाइप ही डिलीट करने का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, बिकॉज इस फैमिली के दो टाइप है, 48 24 इंच, 24 × 24 इंच। सो जो सेकंड ऑप्शन सेकंड था वो मुझे वहाँ ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो रहा, बिकॉज इस ऑप्शन की मैंने फैमिली यहाँ पर क्रिएट कर रखी है। नेक्स्ट वाला जो है 24 बाय 24, इसकी फैमिली मेरी क्रिएट नहीं हो रखी, कहीं पे भी मैंने यूज नहीं करी, तो इसको वहाँ से पर्च करने का ऑप्शन मुझे मिल रहा है। तो इस तरीके से जो है आप आपकी फैमिली को ऐड भी कर सकते हैं और जो है आपके करंट प्रोजेक्ट से आप रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट होती है हमारी अनोटेशन फैमिलीज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ डायमेंशन का जो है डायमेंशंस दे रखी है हमने हमारे प्लान के ऊपर। सो ये जो सब है कमांड्स, आप लाइक फॉर डीआई से आप डायमेंशन दे सकते हैं। इसके साथ ही जो है आप अनोटेट में जाएंगे तो आपको स्पोर्ट एलिवेशन, स्पोर्ट कोऑर्डिनेट, ये सारे आपको ऑप्शन वहां पर देखने को मिल जाते हैं आपकी फाइल के अंदर। सो ये हमारी सिस्टम अनोटेशन फैमिलीज है, मतलब सिस्टम के इनबिल्ट ही, डिफॉल्ट इनबिल्ट ही हमको ये फैमिलीज मिली थी, और ये हमें क्या यूज आती है, अनोटेशन के लिए यूज आती है। सो अभी तक हम सिस्टम फैमिलीज देख चुके हैं जो कि हमारे मॉडल के लिए थी, मॉडलिंग के लिए। देन हम जो है हमारी लोडेबल कंपोनेंट फैमिलीज के बारे में देख चुके हैं, हम मॉडल इन प्लेस फैमिलीज के बारे में देख चुके हैं, और ये हमारी जो है अनोटेशन फैमिलीज है। इनका यूज करके जो है हम अनोटेशन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं हमारे प्लान के लिए। तो ये बाय डिफॉल्ट हमें रेविट में मिली, एडिट टाइप में जाके सेम, अगर हमें कुछ एडिट करना है, डुप्लीकेट करना है, तो हम डुप्लीकेट करके यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इसकी डायमेंशन की हाइट वगैरह या डायमेंशन के टिक मार्क, एंड मार्क वगैरह, ये सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और इसी के साथ कुछ अनोटेशन फैमिलीज आपको क्रिएट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिनको हम अपकमिंग वीडियोज में डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स में आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है हमारी फैमिली से रिलेटेड आपको बेसिक ट्यूटोरियल भी हमने अपडेट कर रखा है हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में, आप जा सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट में आपको फैमिली ट्यूटोरियल से रिलेटेड वहाँ पर सेक्शन अवेलेबल अवेलेबल हो जाएगा, और उस वीडियोस में आपको कंप्लीट फैमिलीज कैसे बनाते हैं, आपके एक्सट्रूजन का यूज करके, आपके रिवॉल्व कमांड का यूज करके, शिफ्ट टूल का यूज करके, बेसिक आपको जितना भी आपको फुल बेसिक से लेकर एडवांस तक वहाँ पे सारे ट्यूटोरियल हमने प्रोवाइड किया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।